हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं, क्या कॉन्फिडेंस है और क्या सीखने वाले हैं मेरे पास। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर सत श्री अकाल जी, माय नेम इज जेपी यादव, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। ठीक है, मैं पीसीसी एक टीचर हूँ जी। मैं अम्बेडकर नगर में एक जूनियर हाई स्कूल का अध्यापक हूँ। ठीक है, मैं आपके वीडियो से कार चलाना सीखा हूँ। यूट्यूब पे आपको किसी तरीके से नंबर मिला, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जैसे इस 40+ लोगों को, बहुत से लोगों को सिखा दिया होगा। 80+ लोगों को भी मैंने सिखाया है, 70+ और 80+। और मेरा ऐसा भाग है कि मैं आज आपके द्वारा ही सीख रहा हूँ। हाँ। मैंने गुरु आपको मन ही मन द्रोणाचार्य मान लिया है, लेकिन सर मेरा अंगूठा मत मांगिएगा। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, मेरा अंगूठा मेरे लिए काफ़ी है। सबसे आपका जो प्रेरक स्लोगन है, आप मुस्कुराइए लखनऊ में है जी। देखिए आप लखनऊ आ गए ना, मुस्कुराते मुस्कुराते। जी जी जी, कल से हूँ, एक दो दिन में हूँ सर के यहाँ। खाने की, रेस्टिंग की, फास्टिंग की अच्छी सुविधा है और मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 200,000 वर्ष जिए, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए, 60 साल जी जाए ये बहुत है। आज के टाइम में सिर्फ 60 साल जी जाए वो समझ लो सेंचुरी क्रॉस कर गए। तो ये तो जेपी साहब का बड़प्पन है जो कि इतना प्यार दे रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच इनके लिए कि इतनी दूर से ये मेरे पास आए। मेरा ये सौभाग्य है कि कितने किलोमीटर है यहाँ से आपका? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर से ये अपना पर्सनल ड्राइवर लेके, ये इनकी खुद की पर्सनल कार है, ब्रीजा है, न्यू 2022 की, टॉप मॉडल है, सनरूफ आप देख सकते हैं, ये सनरूफ है। इग्निशन ऑन करने के बाद चाबी, हाँ इग्निशन ऑन करने के बाद वो खुलेगा। पहले इग्निशन लाल, हाँ बस अब खुलेगा ये। ये सारी इसको ऊपर करना है, हाँ ऊपर करिए। ये दोस्तों ओपन हो गया, देख रहे हैं, ये सनरूफ है। ठीक है, अब इसको ऑफ कर दीजिए। जबरदस्त टॉप मॉडल गाड़ी है ये, देख रहे हैं, हाँ उसको बंद कर दीजिए, चाहे खुला रहने दीजिए, जैसा है जैसा आपको। चलो अभी इंजन ऑन करिए। इंजन ऑन है सर? ऑन है। चलो पहले हैंड ब्रेक नहीं डाउन करना, पहले हाफ क्लच को रिलीज करो। गियर लगाऊं? हाँ गियर लगाइए। गियर ऐसे पकड़ते हैं सर? हाँ ऐसे, हल्के हाथों से। हाँ बस जाओ ऊपर, पहला गियर। अभी गाड़ी ढलान पे खड़ी है ना आपकी? जी। तो पहले आपको क्या करना, हाफ क्लच छोड़ के गाड़ी को गियर में एक्टिव कर लो, स्टीयरिंग सीधा पकड़ो, सीधी करो 3 और 9 पे। चलो अब ब्रेक, हैंड ब्रेक डाउन करो। चलो इंजन ऑन है, चलो आगे से लेफ्ट जाना है हमें। टर्न करो लेफ्ट, जाने दो, गुड। चलो स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, चेंज करो गियर, बढ़ाइए स्पीड, वेरी गुड। सर सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही है? हाँ वो आने दीजिए, मैंने नहीं लगाई है, सामने देखना ट्रैक्टर है ध्यान से। हाँ चलो चलो। सर मेरा बच्चा आपको बहुत लाइक करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए विद्यार्थी आपका बनना चाह रहा है। मोस्ट वेलकम है। कितने साल का है? अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन भविष्य में सीखेगा आपसे, तो वो वीडियोस देख देख के सीख जाएगा, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14 नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मैं भगवान भी आए यहाँ, वो भी गुरु किए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो,
भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के यहाँ सीखे। ये देखिए दोस्तों गाड़ी का जलवा, ब्रीजा जो है बहुत ज़बरदस्त गाड़ी इन्होंने निकाली है, आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर का व्यूज इतना ज़बरदस्त, आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। और तो कल आपने लखनऊ में क्या क्या किया? सर मैं कल शाम को खूब घूमा। होटल कैसा था? होटल बहुत अच्छा था सर आपकी। देखो वो तन कर रहा है, देखो सबसे बड़ी गलती इसकी क्या है, इसने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी बढ़ा दी, इसलिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ाइए स्पीड, जाने दीजिए बाएं दाएं से सब, यहाँ जब भी जहाँ से कोई भी कहीं से भी निकल सकता है, तो इसलिए पहले से आपको अलर्ट रहना है, ठीक है जी। जाने दीजिए, गुड, वेरी गुड। इन सब रोडों पे अगर आपने कार को चला लिया तो बाकी जगह चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल रोड ही टफ होता है जी। सर आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो सीख जाएगा, देख देख के सीख जाएगा, वो वीडियो आजकल आए थे भगवान बिना संदीपनी के यहाँ गए उनको ज्ञान नहीं हुआ, वो बात आपकी सही है। जब तक विश्वामित्र को नहीं पाए तब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ, वो आपकी बात एकदम सही है 100%। वीडियो देख करके 100 मीटर 500 मीटर 500 किलोमीटर हाईवे पे चला सकता था जी, लेकिन जो एक काटते समय गाड़ी लहरा जाती थी और ये एडजस्टमेंट ये नहीं सीख पाया, ये आपके यहाँ आकर के मेरा डाउट क्लियर हो रहा है। वो चला चला के बहुत सारी, देखिए जेपी साहब, चला चला के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन सर जब आप कहते हैं उस पर माइंड करने में आसानी होती है जी, आप सीट एडजस्ट अब तक नहीं मैं जानता था, जब आपको आप सानिध्य मिला तब जान पाया। सीट एडजस्ट करना इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा जी। इसके जितने फंक्शंस हैं जी, एक बार आपने स्टीयरिंग लॉक बताया था वो पुरानी गाड़ियों में है, लॉक अनलॉक 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 ये सब सर आप वीडियो पे बता देते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर एक लाइक बन जाए और लोग जो देखें और ना कुछ कर सकें तो एक लाइक कर दें, तो मेरे ख्याल से आपकी वीडियो से और लोग लाभान्वित हो जाएं। वो तो है ही है, वीडियो एक दूसरे को शेयरिंग से एक दूसरे को भेजने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत विद्यार्थी अलग अलग अपने हिसाब से जो है अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल, स्लो 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 जाने दो, धीरे धीरे, गुड, बहुत बढ़िया निकाला आपने। इधर रिक्शा भी था आपके लेफ्ट में, सामने ट्रैक्टर भी था, बहुत प्यार से। एक्चुअल में मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ लखनऊ। हाँ हाँ हाँ, सुबह मैं वहाँ से नहा वहा के निकला हूँ रेडी होके आराम से। हाँ दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़िए, ये सिंगल हाथ से पासिंग डिपर दीजिए सामने वाले को ऊपर। हाँ गुड, बस अपने आप नीचे अपने आप चला जाता है, उसको ऊपर उठाना है बस स्लो करके। हाँ चलो जाओ, गुड, हल्का राइट दबा के, राइट 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 बढ़ाओ जाओ। बढ़ा लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा ध्यान से दाएं बाएं देख के, हॉर्न एक क्लियरिटी सर आप लोगों की वजह से आती है। नहीं वो चला चला के बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे होते हैं कि वो मर जाते हैं लेकिन उन कन्फर्म नहीं ड्राइवर उनको कहा जा सकता। लेकिन नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है जी, जी, जी। किसी से जरूरी नहीं कि आपकी गलती से हुआ है ना, आगे से राइट टी पॉइंट से राइट जाना है स्लो करके। हाँ लेफ्ट दबा के राइट, लॉन्ग हॉर्न पुश करके। सामने वाला भी अनट्रेन था आपके सामने, जो डिज़ायर वाला हाथ देके मोड़ रहा था, जाने दीजिए। जाओ धीरे धीरे, हाँ इतनी कम जगह में कैसे गाड़ी निकलेगी, निकल गई। दूर से ऐसा लगता कि नहीं निकल पाएगी लेकिन एक्चुअल में निकल जाती है। जो जजमेंट है ना वो चला चला के आता है, थोड़ी दूर से ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हमारी नहीं निकल पाएगी पर एक्चुअल में निकल जाती है। हल्का राइट ही दबा के रखना, जाने दीजिए, वापस लेफ्ट आ जाओ। चलो स्पीड मेंटेन करो। सर ये बाइक वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोगों के फोर व्हीलर बाइक भी है, बाइक है लेकिन वो बाइक वाले कभी भी वो उनको ये लगता है पूरी जिम्मेदारी कार वाले की है, लेकिन जो कार चलाता है और बाइक चलाता है वो ये हरकतें नहीं करता है।
जो कार नहीं चलाता सिर्फ बाइक चलाता है उसको अंदाजा ही नहीं होता है कि कार पे बैठने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। जो ये फुदक फुदक के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जाने दो, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो हम आ गए स्लो, हाँ जाने दो, धीरे धीरे, गुड, चलो बढ़ाते रहो धीरे धीरे, हाँ स्लो कर गए। सिटी की क्या स्पीड होनी चाहिए? देखिए सिटी के अंदर और डिपेंड करता है कैसा ट्रैफिक है, कैसा क्राउड है। ये कौन सा स्थान है सर? ये पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है, इधर फेज वन फेज टू है, घड़ियाल मगरमच्छ कछुए छुए हैं, बहुत अच्छा, बड़ा घूमने नाक उसकी क्या कहते हैं, घड़ियाल का ये प्रजनन स्थान है। हाँ वही है, वही है, वही कुकरेल में जो, कुकरेल में जो है, वही वही वही, ये कुकरेल ही है। ये कुकरेल करीब 15 किलोमीटर की रेंज में है, ये काफी बड़ा है। कुकरेल नदी जो है अंदर है, हाँ अभी वही नदी का पानी आगे निकलता दिखेगा आपको। और यहाँ से सर नदी वहाँ किस नदी में जाकर के मिल जाती है? गोमती नदी में। स्पीड बढ़ाइए, थर्ड गियर डालिए सेंटर में, हाँ जानी डू, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, गजब, बढ़ाइए स्पीड, फोर्थ गियर डालिए, गुड, चलो छोड़ो क्लच, जाने दो, बढ़ाओ जाओ धीरे से, हाँ चलो। अम्बेडकर नगर में कब आपका आगमन होगा सर? हल्का लेफ्ट आओ, जाने दो, लेफ्ट दबाओ थोड़ा, राइट ज़्यादा जा रहे हो आप, क्योंकि उधर पेड़ था ना, उधर वो ट्रक नहीं बढ़ा सकता था। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके, हाँ चलो निकालो, जाने दो, गुड, चलते रहो धीरे धीरे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पासिंग डिपर का यूज़ किया करिए ऐसी जगह, ठीक है? पासिंग डिपर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है सिंगल रोड पे, जाने दो। पासिंग के लिए क्यों नहीं सर? एक बार ऊपर उठा दो बस, हाँ अपने आप नीचे नहीं गया सर? अपने आप वो चला जाता है, आपको लग रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते, जय हिंद, वंदे मातरम, चलते रहो धीरे धीरे, गुड।